75 पार का लक्ष्य पाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जन आशीर्वाद यात्रा आज कालका से शुरू हो रही है। दरअसल ये यात्रा 8 सितंबर तक चलेगी और रोहतक में जाकर इसका समापन होगा। रोहतक यानी वो जाटलैंड, वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़, वहाँ पर इस बार भाजपा अपना कमल खिलाना चाहती है। इसीलिए यह यात्रा पूरे हरियाणा में से घूमते हुए रोहतक जाकर संपन्न होगी और वहाँ पर एक विशालकाय रैली भी रखी जाएगी, जिसमें अनुमान किया जा रहा है कि शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। दरअसल मुख्यमंत्री मनोहर लाल का लक्ष्य है कि 75 प्लस पाना है तो जाहिर तौर पर जन आशीर्वाद यानी लोगों का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इस लक्ष्य के तहत ये तमाम गाड़ियां जो है सजाई गई हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हरियाणा का जो चुनाव है वो लक्ष्य हमारा मनोहर दोबारा, ये स्लोगन के साथ लड़ा जा रहा है। ये जो गाड़ियां हैं ये गाड़ियां चलेंगी, इसमें तमाम भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद होंगे, पदाधिकारी मौजूद होंगे। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल का एक स्पेशल रथ बनाया गया है जिसमें लिफ्ट है और मुख्यमंत्री जहां पर भी पहुंचेंगे वहां पर लिफ्ट से ऊपर आएंगे और उसी बस से लोगों को संबोधन करेंगे और बताएंगे कि सरकार ने पिछले 5 साल में क्या उपलब्धियाँ की हैं और आगामी जो अगला मनोहर सरकार की पार्ट 2 है उसके लिए उनका नया निर्णय क्या है, वो क्या नई योजना लेके आ रहे हैं। इसी के तहत पूरे हरियाणा में यात्रा चलाई जाएगी। कैमरामैन सी आर राम के साथ कुमार रमेश, R9 TV, चंडीगढ़।